Chappelle Cut. क्लास फर्स्ट मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। हमने पिछले वीडियो में मनी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मनी का ऐड करना सीखा। आज हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल दिया 25 पैसे फ्रॉम 65 पैसे। तो 65 पैसे में से आपको 25 पैसे माइनस करना और बताना है कि कितने पैसे बचे। ठीक है, 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ आप 25 कर लीजिए। 65 पैसे में से माइनस करते हैं 25 पैसे। ठीक है, तो 5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, 6 में से 2 गए तो क्या बचेगा? 4। ठीक है, 65 पैसे में से 25 पैसे घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितने पैसे बचेंगे? 40 पैसे। ठीक है, इसी तरह के कुछ सवाल नीचे दिए गए हैं, उसको हम करते हैं। 95 पैसे में से माइनस करना है 60 पैसे। 5 में से नीचे 0 दिया हुआ है, तो हमको डायरेक्ट क्या करना है? 5 में से 0 गए तो 5 बचेगा, 9 में से 6 गए तो कितने बचेगा? 3, यानी 35 पैसे। अब यहाँ पे क्या है, 40 पैसे में से हमको माइनस करना है 25 पैसे। अब यहाँ ऊपर 0 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर 0 दे रखा है तो हमको एक क्या करना पड़ेगा, पास के नंबर से 1 बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 10। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। हमने इसको दे दिया था, बोरो दे दिया था, तो यहाँ 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 1। तो कितने हो गए? 15 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है 8 में से 9 नहीं जा सकता, इसलिए हमने 4 में से 1 बोरो लिया तो 18 हो गए। 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 9। 4 की जगह कितना हो गया? 3। 3 में से 5 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए हम 6 से 1 बोरो करेंगे तो कितना हो गया? 13। 13 में से 5 को हम लेस करते हैं तो कितना बचेगा? 8। 6 में से 1 बोरो दे दिया था हमने, तो हमारे पास कितना बचा? 5। 5 में से 2 गए तो कितना बचा हमारे पास? 3। तो 389 रुपीज़। नेक्स्ट है 1 में से 6 नहीं जा सकता, इसलिए हमने 1 बोरो किया। 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 5। ये 7 बचे हमारे पास, 7 में से 2 गए तो 5। 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 1 155 रुपीज़। इसके सारे सम, इसके आगे के सारे सम आपको खुद करना है। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, उनको आपको सोल्व करना है। राजेश ब्रॉट अ टिफिन बॉक्स फॉर 50 रुपीज़ एंड अ ज्योमेट्रिक बॉक्स फॉर 80 रुपीज़, हाउ मच टोटल मनी डिड ही पे। जो राजेश, उसने एक टिफिन बॉक्स खरीदा, एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 50 रुपीज़ में 80 रुपीज़ को ऐड किया तो कितना हो गया? 130 रुपीज़ का टोटल उसने सामान खरीदा और पैसे इतने 130 पे किए। सोनम ब्रॉट अ पर्स फॉर 25 रुपीज़ एंड अ कॉम फॉर 8 रुपीज़, हाउ मच विल शी हैव टू पे टू द शॉपकीपर। सोनम ने क्या किया, एक पर्स खरीदा 25 रुपीज़ का और 8 रुपीज़ का कॉम यानी कंघा खरीदा, तो आपको बताने के लिए शॉपकीपर को टोटल पैसे कितने दिए, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, 8 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 13। 13 का 3, 1 कैरी गया, 2 और 1 कितना गया? 3, यानी 33 रुपीज़ उसने शॉपकीपर को दिए। साहिल ब्रॉट अ बर्गर फॉर 25 रुपीज़ एंड अ सॉफ्ट ड्रिंक फॉर 12 रुपीज़, हाउ मच मनी डिड ही पे। यानी कि साहिल ने एक बर्गर खरीदा 25 रुपीज़ का, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी 12 रुपीज़ की, तो आपको बताने कि उसने टोटल कितने पैसे चुकाए। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, मैंने यह सिक्वेंस जमा दिया है, इसको ऐड करना है। ठीक है, मैरी ब्रॉट 1 फुल टिकट फॉर 30 रुपीज़ एंड 1 हाफ टिकट फॉर 15 रुपीज़ टू इन्जॉय द राइड, हाउ मच मनी डिड शी पे। मेरी ने क्या किया, एक फुल टिकट खरीदा 30 रुपीज़ में और एक 15 रुपीज़ में हाफ टिकट खरीदा राइड पे जाने के लिए, तो उसको आपको बताने कि उसने टोटल कितने पैसे पे किए। तो मैंने सीक्वेंस जमाया है, इसको आपको ऐड करना है। उसमें पूछ रहे टोटल पैसे कितने पे किए, यानी आपको ऐड करना है इसको। ठीक है, प्रिया ब्रॉट अन आइसक्रीम फॉर 18 रुपीज़ एंड रीना ब्रॉट अन ऑरेंज ड्रिंक फॉर 12 रुपीज़। ठीक है, प्रिया ने क्या किया, एक आइसक्रीम खरीदी और रीना ने क्या खरीदा, ऑरेंज ड्रिंक खरीदा। ठीक है, हाउ मच मोर मैनी डिड प्रिया स्पेंड देन रीना, तो आपको बताना है कि प्रिया ने रीना की तुलना में कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, आपको माइनस करना है 18 में से आप 12 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है, वो प्रिया ने ज़्यादा पैसा खर्च किया वो आएगा, ठीक है। सुमन हैड 25 रुपीज़ विथ हर शी स्पेंड रुपीज़ 20, हाउ मच मैनी शी हैज़ लेफ्ट विथ हर। सुमन मार्केट गई होगी या कहीं गई होगी, तो उसने क्या किया कि उसके साथ वो 25 रुपये या 25 रुपीज़ लेकर गई और उसमें से उसने 25 स्पेंड कर दिए यानी खर्च कर दिए। तो अब आपको बताना है कि उसके पास कितने पैसे बचे, यानी कि 25 में से अगर माइनस 20 करते हैं तो कितने बचेंगे, 5 रुपीज़। उसके पास कितने पैसे बचे, 5 को हम 0 में से माइनस करते तो 5 और 2 में से 2 गए तो 0, यानी उसके पास कितने पैसे बचते हैं, 5 रुपीज़। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 114 पर आपको दिया हुआ है चेक योर सेल्फ। चेक योर सेल्फ आपको पूरा होमवर्क में दे रही हूँ मैं, आपको होमवर्क में करना है, बुक में भी करना है और कॉपी में भी कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आपको कंप्लीट कर कॉपी में स्कूल में भी पहुँचानी है। ओके बाय।